She's my sister. आज मेरी फैमिली भी आई है। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ भले ही खूब लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन वो अपने परिवार को हमेशा खबरों और लाइमलाइट से दूर रखते हैं। फैंस को आज तक ये नहीं पता क्या सच में सिंगर शादीशुदा है या नहीं, उनके बच्चे हैं या नहीं। इसके अलावा उनके माता पिता के बारे में भी ज्यादातर फैंस नहीं जानते। हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है ये वीडियो में उनकी माँ है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा बेहद प्राइवेट रखा। वो कभी अपनी फैमिली की फोटो शेयर नहीं करते, लेकिन उनके दिल लुमिनाटी टूर के दौरान उन्होंने अपने ये उसूल फैंस के लिए तोड़ दिया। मैनचेस्टर में अपने कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने पहली बार फैंस की मुलाकात अपनी माँ और बहन से करवाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अपने कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ एक महिला के सामने झुकते हैं और फिर उन्हें गले लगा लेते हैं। इसके बाद वो उनका हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं, वैसे ये मेरी माँ है। इसके बाद दिलजीत अपनी माँ को दोबारा गले लगाते हैं और उनके माथे पर किस भी करते हैं। ऐसे में उनकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, फाइनली दिलजीत दोसांझ ने आखिरकार अपने परिवार को दुनिया के सामने पेश कर दिया, जिन्होंने मैनचेस्टर में हुए अपने हालिया कॉन्सर्ट में अपनी बहन और माँ से फैंस को इंट्रोड्यूस करवाया। हर कोई इस वीडियो को देखकर हैरान रह गया। दिलजीत कई सालों से अपने परिवार को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहे। हालांकि इस साल की शुरुआत में उन्होंने अपने परिवार के बारे में कुछ बातें की, लेकिन उन्होंने उनकी पहचान को छुपा कर रखा। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है वो अपने परिवार को सबके सामने लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाल में ही वायरल हो रहे वीडियो में दिलजीत दोसांझ अपनी माँ और बहन को गले लगाते दिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने उनके लिए इमोशनल होकर अपने गाने हंस हंस की लाइनें भी गाई। दिल तैनू दे दिता मैं ते सोनिया, जान तेरे कदमा च रखी होई है। इस दौरान उन्होंने अपनी माँ सुखविंदर कौर को इंट्रोड्यूस भी करवाया। दिलजीत ने जब अपनी माँ को गले लगाया और उनके सिर पर किस किया, तो उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद दिलजीत ने अपनी बहन से भी फैंस को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा, मरना मैं तेरिया बहन चेचन्ना वे, सोए तेरे प्यार दीदे चक्की हुई है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा, आज मेरा परिवार भी यहाँ है। दिलजीत ने साल की शुरुआत में बताया कि कैसे उनके माता पिता ने बचपन में उन्हें उनके मामा के पास भेजने का फैसला किया, जिससे उनके परिवार के साथ उनका रिश्ता कमजोर पड़ गया। रणवीर इलाहाबादी के पॉडकास्ट पर दिलजीत ने बताया, जब मैं सिर्फ 11 साल का था तब मैंने अपना घर छोड़ दिया और मामा जी के साथ रहने चला गया। उन्होंने कहा, मैं गांव में निकलकर शहर आ गया और लुधियाना में रहने लगा। मामा जी ने कहा, उसे मेरे साथ शहर भेज दो, और मेरे माता पिता ने बिना मुझसे पूछे मुझे उनके साथ भेज दिया। मेरे माता पिता ने मुझसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया। उन्होंने बताया, मैं एक छोटे से कमरे में अकेला रहता था, रोज स्कूल जाता था और फिर वापस आता। उस वक्त कमरे में टीवी भी नहीं था, तो मेरे पास बहुत सारा खाली समय होता था। उस समय मोबाइल फोन भी नहीं थे, इसी वजह से मैं धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होता चला गया। दिलजीत ने आगे कहा, मैं अपनी माँ की काफी इज्जत करता हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया, यहाँ तक कि ये भी नहीं पूछा मैंने कहाँ से पढ़ाई की। लेकिन अब मैंने उनसे कोई खास रिश्ता नहीं रह गया, सिर्फ पापा से नहीं बल्कि बाकी सभी से दूरी बन गई है। बता दें, दिलजीत ने पहले भी बताया था कि अपने परिवार के शुरुआती दिनों में हुए एक घटना की वजह से उन्होंने अपने परिवार को लाइमलाइट से दूर रखने का फैसला कर दिया।